सारा भाभी सारा तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम ये बात प्लीज किसी को बताना मत। भाभी ऐसी बातें छुप नहीं सकती, नहीं सारा छुप सकती है। सारा तुम्हें अली की मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज ये बात अली को या घर में किसी को भी मत बताना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सारा तुम जानती हो ना कि अम्मी को कितनी ख्वाहिश है कि घर में बच्चे हो, को मेरे बारे में पता चलेगा तो नहीं सारा मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो प्लीज। भाभी क्या हो गया है आपको? रिलैक्स, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम वादा करती हो ना, तुम अम्मी को तो नहीं बताओगी? भाभी नहीं बताऊंगी मैं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप परेशान ना हो, आप यहाँ बैठे बैठे। तुम तो चाहती हो, बहुत अरमान थे मुझे औलाद की, शादी के 2 साल बाद मुझे वो खुशी मिली तो मुझे क्या पता था कि मेरी मेरी अधूरी खुशी मेरी हसरत बन के रह जाएगी। मैं मां बनने की खुशी को दोबारा कभी महसूस ही नहीं कर पाऊंगी। भाभी संभाले खुद को, अगर ऐसे रोएंगी तो क्या जवाब देंगी आंटी को अपने आंसुओं का? सही कह रही हो, तो किसी ने मुझे रोते देख लिया तो सोचेंगे पता नहीं क्या हो। लेकिन सारा मैं तुम पे भरोसा तो कर सकती हूँ ना? भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप किसी दूसरे डॉक्टर को चेक कराएं, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी परेशान हो के। हाँ सही कह रही हो, तो किसी और डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। सर भाभी वो मैं आपको बताने आई थी कि शायान आ गया, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। लेकिन घर में तो ड्राइवर है, तो फिर शायान को क्यों बुलाया तुमने? जी लेकिन वो आसपास ही था तो मैंने उसको कहा कि मुझे पिक करना है, मैं जा रही हूँ। प्लीज भाभी आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं वापस आके आपसे बात करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। Office.